तो दोस्तों सीकेडी क्या है? सीकेडी मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये किडनी का डैमेज है जो 3 महीने या 3 महीने से ऊपर से चल रहा है। ये इरिवर्सिबल है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसको हम ठीक कर सके। और किडनी का, दोनों किडनी का मिलाकर जो काम है वो 50% से ज़्यादा कम हो गया, मतलब हाफ ऑफ द किडनी फंक्शन इज डैमेज। इस कंडीशन को हम सीकेडी बोलते हैं। पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट करते हैं रेगुलर चेकअप में, क्रिएटिनिन इंक्रीज हो गया। क्रिएटिनिन बॉडी का एक कचरा है जो यूरिन में आना चाहिए। ब्लड में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 से लेकर 1.4 तक। उससे ऊपर अगर क्रिएटिनिन ब्लड में है, इसका मतलब किडनी उसको प्रॉपरली निकाल नहीं पा रही है। दूसरे जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट यूरिन में झाग ऑब्जर्व करते हैं जो कि प्रोटीन निकलने की वजह से होते हैं। क्योंकि किडनी प्रोटीन ब्लड में रोक कर नहीं रख पा रही है तो प्रोटीन बाहर निकलता है। उसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, अनीमिया, खून की कमी, ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। कुछ केसेस में पेशेंट को चक्कर आकर वो फेंट हो जाते हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, पानी भर जाता है छाती के बाहर जिसको प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, या असाइटिस हो सकता है। तो अब इसके कारण क्या है? सीकेडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें बॉडी खुद अपने ऑर्गन को डैमेज करती है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, बॉडी के एंटीबॉडीज किडनी को डैमेज करती है। ये कई प्रकार की होती है जिसका डायग्नोसिस किडनी बायोप्सी के ज़रिए होता है, और ज़्यादातर केसेस में अगर जल्दी पता चल जाए तो दवाइयों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिन पेशेंट्स में लंबे समय से ब्लड प्रेशर की या शुगर की प्रॉब्लम है, ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया है, तो वो भी किडनी को लंबे समय पर डैमेज कर सकती है। लंबे समय से इन्फेक्शन अगर चल रहा है किडनी का या यूरिन का, वो भी किडनी को डैमेज करता है। फिर एक जन्म से बीमारी होती है ADPKD, एडल्ट डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें दोनों किडनीज में गिठाने होती हैं, सिस्ट्स होते हैं। ये भी आगे चलकर किडनी को कम्प्लीटली डैमेज कर सकते हैं। स्टोन्स हैं अगर किडनी में जो ब्लॉक कर रहे हैं यूरिन का फ्लो, और वो काफ़ी समय से हैं, तो वो भी इरिवर्सिबल डैमेज कर सकते हैं। फिर कुछ दवाइयां हैं कॉमनली पेन किलर्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, डेली लेते हैं, लंबे समय तक ले रहे हैं, तो इनका किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। किडनी के रास्ते में कोई ब्लॉकेज हो, जैसे प्रोस्टेट से है या स्ट्रिक्चर से है, या पेशाब की थैली का काम कम हो गया, जिसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर बोलते हैं, तो ये भी किडनी को इरिवर्सिबली डैमेज कर सकते हैं। तो अपनी किडनी का ध्यान रखिए। सीकेडी का ट्रीटमेंट और उसके अलावा और सीकेडी के बारे में जानने के लिए मेरे दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू।